ये मस्त लग रहा है। तो भाई ये सच में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है कि यहाँ पे कितने लोग हैं फोटो शूट करने के लिए। 4 आवर्स के लिए। तो भाई जिया संग्रहालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना बिहार में स्थित है ये संग्रहालय, और ये आप बाहर का लुक देख सकते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में बिहार म्यूजियम। तो अभी हम पहुँचे हैं पटना के बिहार म्यूजियम में, और आज का पूरा ब्लॉग पटना के बिहार म्यूजियम से रिलेट करने वाला है। साथ में अवैस भी रहेंगे और हम लोग साथ में आज पूरा का ब्लॉग कैप्चर करेंगे। तो बस गाइस, आप बने रहे मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो भाई ये है बिहार म्यूजियम का पार्किंग जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, वहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क हो जा रही है, और इस साइड पूरा बाइक का है, और उस साइड आप देख सकते हैं बस वगैरह पार्क हुई है, और उस साइड में 4-व्हीलर पार्क होगा। और यहाँ पे चार्ज क्या लगेगा वो देखना होगा। तो भाई यहाँ भी 10 रुपये का पार्किंग चार्ज लग रहा है, और 4-व्हीलर का कितना है भैया? 20 रुपीज़ पकड़ा। तो भाई ये हम लोगों का 2-व्हीलर का पार्किंग वैलिड फॉर 4 आवर्स, ओनली फॉर 4 आवर्स के लिए है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे इसके अंदर। चलिए तो फिलहाल चलते हैं इस साइड। तो भाई ये कुछ लुक है इधर का, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो फटाफट से अब चलते हैं इंट्री गेट की तरफ। इंट्री गेट का क्या टिकट होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में। यहाँ पे भी आपको सामने में टॉयलेट्स मिल जाएंगे लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए, और फिलहाल इस साइड से इन कर सकते हैं। ये रहा बिहार म्यूजियम चिल्ड्रंस गैलरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फाउंटेन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये होगा, और सामने में है जो म्यूजियम है वो सामने में, और इस साइड आप देख सकते हैं एक छोटा सा पार्क टाइप का जहाँ कुछ लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। तो भाई इधर आप देख सकते हैं ये स्कूल के कुछ बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे बिहार म्यूजियम को घूमने, और ये फ्लावर्स वगैरह हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। भाई मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ, और काफ़ी ऑसम बनाया गया इस म्यूजियम को। अच्छा भाई, किस तरह का लग रहा है म्यूजियम? मस्त लग रहा है। और अंदर जाके देखते हैं फिर क्या कुछ है इस म्यूजियम में, है ना, फिर बहुत मज़ा आएगा। तो भाई ये रहा बिहार म्यूजियम। और इस साइड है टिकट घर, तो टिकट घर से टिकट लेते हैं। ये टिकट पड़ा है पर पर्सन 100 रुपीज़ का, ये टिकट है, और ये आप देख सकते हैं दो टिकट हम लोग लिए 200 रुपये। तो भाई इसका जो टाइमिंग है वो 10:30 से 4:30 के बीच है, और ये मंडे को ऑफ रहता है। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं फोटो शूट करने के लिए। तो भाई यहाँ पे अवैस भी अभी गए हैं बैग को जमा करना है यहाँ पे डिपॉजिट करके। कितने बजे बंद होगा? 5 बजे बंद हो जाएगा। ओके, तो भाई 5 बजे ये बंद हो जाता है। और ये कुछ लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिहार म्यूजियम के अंदर का लुक। अंदर इन कर गए हम लोग, ये बाहर का उस साइड का व्यू है, और इधर देखिए इस तरह से लोग हैं, और सामने में तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। एक बार चलते हैं इधर देखते हैं क्या है, वाकई बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन की तरह लग रहा है। तो भाई ये सच में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा, खूबसूरत है दृश्य यहाँ से मिलता हुआ। तो चलिए अब फटाफट से आगे चलते हैं। तो वाकई गाइस यहाँ पे आप ये मॉडर्न आर्ट देख सकते हैं इस मॉडर्न बिहार म्यूजियम में। ये देखिए कितने बेहतरीन और शानदार ये पेंट किए गए हैं। ये एक आर्ट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। ये कैफेटेरिया यहाँ का, और ये है इंफॉर्मेशन डेस्क। तो ये गैलरी आप देख सकते हैं B1A1, ये आप देख सकते हैं 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच ये सब चीज़। तो भाई ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, इस तरह के स्टैचू अप्रॉक्स 100+ स्टैचू जो पटना म्यूजियम में थे उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है।
तो भाई इधर से आने के बाद हम यहाँ पे आके रुके हैं। ये देखिए सामने में ग्लास लगा हुआ है, ग्लास इधर से आए हैं और अब इस साइड चलेंगे हम लोग। तो भाई इधर है टॉयलेट्स और उस साइड है हिस्ट्री गैलरी, तो हिस्ट्री गैलरी की तरफ चलते हैं। ये देखिए हिस्ट्री गैलरी में मटके देख सकते हैं, छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बिहार म्यूजियम दो टर्म्स में ओपन किया गया, एक अगस्त 2015 में सबसे पहली बार खोला गया और दूसरी बार अक्टूबर 2017 में इसे पूर्ण रूप से खोल दिया गया, यानी सब कुछ ओपन हो गया 2017 में। वाओ यहाँ पे कुछ बनता है, पतेसर है क्षेत्र। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं भाला, यहाँ पे देखिए कुछ अद्भुत दृश्य यहाँ से मिलेंगे। और फिलहाल यहाँ पे ये चक्र भूत। मैं अपना नाम ब्राह्मणी में टाइप करता हूँ इंग्लिश कीवर्ड, एंड दिस इज IQEL ऑल डन। लोडिंग, नेक्स्ट फोटो ले लेते हैं। वैसे भैया यहाँ पे कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट कहाँ पे जाएंगे तो क्या करना है, बाद में देख लेते हैं, टाइम नहीं है हम लोग के पास, जल्दी जल्दी निकलेंगे यहाँ से फटाफट से। इधर से थोड़ा सा फोटोग्राफी वगैरह यहाँ का कैप्चर करते हैं, वीडियोग्राफी। ये सिर्फ स्टील का बर्तन का बनाया हुआ है सब कुछ, ये मस्त लग रहा है। तो भाई इधर से चलेंगे उस साइड में ऊपर में, और ऊपर में जल्दी से जाके देखते हैं क्या कुछ है, टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास, मेन नहीं कर सकते यहाँ से, ऐसे जा सकते हैं सिर्फ। तो भाई साहब हिस्ट्री गैलरी सी, एक्चुअली इधर बहुत कुछ है घूमने के लिए लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं बचा है मेन। यहाँ पे ये लुक देख सकते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक राउंड यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, इस तरह का ये कॉइन है पहले ज़माने का, और इस साइड से मैं फटाफट से आपको दिखा के ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। ये तलवार मस्त वाला, अरे यार मध्यकालीन तोप को हम स्टॉप ही कर देते, ये है मध्यकालीन तोप है। तो यहाँ बहुत कुछ नो डाउट। तो ये हुआ ऑसम एंड अद्भुत। तो भाई यहाँ पे ये रीजनल आर्ट गैलरी, यहाँ पे ये भाई यहाँ पे व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, व्हीलचेयर का भी आप यूज़ करके घूम सकते हैं। तो भाई फाइनली आ गए बिहार म्यूजियम से बाहर, एक्चुअली टाइम का कुछ अभाव रह गया, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था जिस वजह से हम लोग मात्र 1 से 1.5 घंटे के ही घूम पाए और पूरा कम्प्लीट भी नहीं हो पाया। फिर कभी चांस मिलेगा तो ज़रूर मैं आऊँगा और कम्प्लीट एक ब्लॉग बनाऊँगा, हालाँकि जितना मैं ब्लॉग बनाऊँ डैट इज़ इनफ, उस तरह का ही कुछ है यहाँ पे। लेकिन बहुत ही ये स्पेशल है ये म्यूज़ियम, वैल्यू फॉर मनी इसको बोल सकते हैं, 100 रुपीज़ लगा है पर पर्सन, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। ये है पटना का गांधी मैदान, काफ़ी संख्या में आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 12।